नमस्कार बच्चों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल CWEH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट। अगर आप न्यू विजिटर हैं या हमेशा हमारे चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करें ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए एजुकेशनल वीडियोस ला सकूं। सबसे पहले बात करते हैं सेट थ्री के बारे में। इसमें सेट टू और सेट वन का सॉल्यूशन है। सेट थ्री वाले पहले सुन ले। सबसे पहले बात करते हैं सेट थ्री के बारे में। सेट थ्री का क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने भेजा मुझे और मैंने उसके सॉल्यूशंस भी तैयार कर लिए हैं। उसका सॉल्यूशन चालू है और वीडियो में बना के और 7 बजे के पहले, 7 बजे से 8 बजे के लगभग तक आपको सारे सेक्शंस के वीडियो मिल जाएंगे सेट थ्री के। और बाकी सेट वन और सेट टू के सेक्शन सी तक के क्वेश्चन सेम थे, लेकिन मैंने उसके लिए भी अलग अलग वीडियोस ले आया, बना लिए हैं उसके लिए और बस अपलोडिंग की बारी है। धीरे धीरे करके सारे वीडियोस आज शाम तक अपलोड कर दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेट टू का जो सेक्शन डी बच गया था उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए सेट टू का सेक्शन डी हम क्लियर करते हैं और बाकी के वीडियोज के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहें, चाहे आप सेट वन के हों या सेट थ्री के हों। और इसमें जो सेट टू के मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सेट वन के भी हैं, हालांकि मैं सेट वन के लिए अलग से सेपरेट वीडियो ला रहा हूं थोड़ी देर में। चलिए तो शुरू करते हैं सेट टू का सेक्शन डी। तो यहाँ पे हमारे पास सेट टू का सेक्शन डी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके सीरीज डिफरेंट है, ठीक है, आपका सेट टू ही है लेकिन सीरीज डिफरेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि केवल इसमें क्या रहेगा, आपके क्वेश्चंस आगे पीछे होंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस सेम टू सेम रहते हैं। चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है और क्यूब का जो साइड है वो है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इसके ऊपर एक हेमी स्फीयर इस तरह से डाला हुआ है। इसमें हमको वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया, सॉरी वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन की ओर चलते हैं कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में यहाँ पे आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि साइड क्या है, रेडियस क्या है, ठीक है, आपको ऊपर में उतना बनाना पड़ेगा। मैंने इतना नहीं किया है क्योंकि मुझे आपको आंसर तक पहुँचाना है और यहाँ पे कैलकुलेशन बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया जो इसका है वो कैसे बनेगा, तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का ले लीजिए आप। उसके बाद टोटल सरफेस, पहले आप देखेंगे इसको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर, फिर हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया लीजिए जो ऊपर में उठा हुआ है। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने इसमें टोटल सर्फेस एरिया लिया है क्यूब का, लेकिन क्यूब का इतना जो भाग देख रहे हैं यानी कि ये जो हेमीस्फीयर का बेस है उतना घट जाएगा क्योंकि वो ढक चुका है हेमीस्फीयर से। तो हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a² कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2πr² और एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमीस्फीयर πr² 2πr² में से πr² चला गया तो प्लस में आ गया πr². अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 6a² मतलब 6 × a मतलब साइड स्क्वायर, तो 6 × 6² प्लस πr² सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा एरिया आएगा। उसके बाद πr² कैसे आया, 2πr² में πr² चला गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कैलकुलेशन करके और जो वैल्यू लाया है वो लाया है 229.68 cm². तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया था। अब बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम काफ़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्यूब का वॉल्यूम और हेमीस्फीयर का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम जोड़ देना होगा। तो क्यूब का वॉल्यूम और हेमीस्फीयर के वॉल्यूम का यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है और फॉर्मूला लिख के जब मैंने कैलकुलेशन किया है, आप रोक के वीडियो और कैलकुलेशन देख सकते हैं कि कैलकुलेशन किस हिसाब से हुआ है। अगर आपको कैलकुलेशन में कोई त्रुटि लगे तो आप आ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अगर मतलब आंसर तो किसी का गलत होगा नहीं, लेकिन अगर आप आना चाहते हैं, आप अगर अर्ग करना चाहते हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। तो यहाँ पे 235.404 cm³ इसका जो है जो आया है। इसी में एक क्वेश्चन और में था, देखिए इसी में एक क्वेश्चन और में था फ्रस्ट्रम वाला, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक फ्रस्ट्रम वाला भी क्वेश्चन था, इधर देखिए उसका दिया है ये देखिए फ्रस्ट्रम वाला क्वेश्चन यहाँ पे था। तो फ्रस्ट्रम वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो फ्रस्ट्रम वाला क्वेश्चन है वो इस तरह से है, ये जो और वाला है यहाँ पे फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम दिया हुआ था,
हाइट पूछ रहा था और दोनों ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे वॉल्यूम का सिंपल सा फॉर्मूला लगा के और वॉल्यूम जो था वो पुट कर दिया। कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए मैंने सबको डिस्क्राइब किया है अच्छे तरीके से, बस जो कैलकुलेशन वाला है, जैसे मैं यहाँ पे आपको जोड़ घटाव और स्क्वायर करने सिखाऊं तो इसके लिए हम लोग नहीं है, इतना आप टेंथ में आप जानते होंगे। और जो जो भी डिस्क्राइबेबल क्वेश्चन है उसका देखिए मैंने इस तरह से डिस्क्राइब किया है, जो डिस्क्राइब करने योग्य है। बाकी इसका देखिए कैलकुलेशन है, तो आप कैलकुलेशन वीडियो रोक के देख सकते हैं फाइनली इसमें। और हाँ एक चीज़ मैंने गलती क्या कर दी थी कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ था 23 का जो डी था, डी का जो 23 है उसमें पाई का वैल्यू 3.14 करने के लिए दिया था, लेकिन मैंने कैलकुलेशन क्या किया है 22/7 पे निकाल लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे बस कुछ नहीं करेंगे, 22/7 के बदले 3.14 डालेंगे तो ये जो मेरा 14.99 आया है वो आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं देखिए यहाँ पे 22/7 पे बनाया है, आप अगर 3.14 पे बनाएंगे तो बनाना था 3.14 पे ही, मैंने गलती से पहले डाल के कैलकुलेशन कर दिया, फिर मैंने सोचा कि अब क्यों काटूं तो रहने दूं, तो 15 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको आएगा। ठीक है, उसके बाद लेटरल, ये तो हमारा हाइट निकल गया, उसके बाद लेटरल एरिया का जो, यानी लेटरल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रिक्वायर्ड मेटल शीट, तो इसमें जो फॉर्मूला होता है लेटरल सर्फेस का वो लग जाएगा। और यहाँ पे कैलकुलेशन करके जो हमारा वैल्यू आया है वो आया है 1708.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, ये देखिए ये दोनों थ्योरम है, ये थेल्स थ्योरम है और ये जो है जो पाइथागोरस थ्योरम है। तो थ्योरम यहाँ पे क्या बताऊँ मैं, हाँ थ्योरम क्या बताऊँ, थ्योरम तो आप बुक से भी जाके देख सकते हैं, थ्योरम तो डायरेक्ट है, थ्योरम कोई भी वैसे ही बनाएगा, तो थ्योरम जाइए और बुक से देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 भी ग्राफ है, ग्राफ तो जैसे आपने खींचा 26 पे आइए, यहाँ पे देखिए मैंने फिर से 26 बनाया है और अब हम चलते हैं 26 की ओर, क्वेश्चन नंबर 26 जी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 25 लिख दिया है मैंने 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 40 मीटर इसका जो है जो शैडो इंक्रीज हो जाता है जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 to 30 होता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे किया है 60 में एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारा है वो 60 में इतना है शैडो, और जब 30 पहुंचता है तो शैडो यहाँ पे 40 मीटर इंक्रीज हो जाती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रायंगल PQR में आऊँगा, 1060 इज इक्वल टू PQ/QR लगा दिया, 1060 का वैल्यू √3 डाला, PQ को ऐसे ही रहने दिया और QR को कर दिया इधर, तो PQ इज इक्वल टू √3 QR, इसको बना दिया इक्वेशन 1। अब फिर से हम आ गए PQ, हमको PQ का वैल्यू निकालना है, हाइट निकालना है इसका, फिर से हम आ जाएंगे ट्रायंगल PQS में और यहाँ पे 1030 लगा देंगे, 1030 इज इक्वल टू PQ/QS, PQ का वैल्यू हमारा वैसे ही रह गया और QS का वैल्यू हो गया, QS को मैंने क्या किया, QS को मैंने कर दिया QR+RS। ठीक है, तो QR का QR और RS का हो गया 40 मीटर, क्लियर। अब फिर से PQ का मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाल दिया QR+40 मीटर/√3। अब क्या है, यहाँ पे भी ये PQ और यहाँ पे भी ये PQ, यहाँ पे वैल्यू √3 QR और यहाँ पे वैल्यू QR+40 मीटर/√3। तो ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैंने दोनों को कंपेयर कर दिया, इसको देखिए इसको बराबर कर दिया इसके, और कंपेयर करने के बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहाँ पे 3 QR इज इक्वल टू QR+40 मीटर। तो फिर जब सॉल्व किया गया तो QR का वैल्यू आया 20 मीटर, हमको PQ का वैल्यू निकालना था हाइट, तो PQ इज इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट से हम आ गए √3 QR, यहाँ पे सिंपली √3 का वैल्यू रखा 1.732 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ था, और QR का वैल्यू 20 रखा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 34.64 मीटर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है वो यहाँ पे है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 27 है m टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू nth टाइम इट्स nth टर्म वेयर m डज नॉट इक्वल टू n, देन प्रूव दैट m प्लस nth टर्म ऑफ द AP इज जीरो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने
27 में माफ करेंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम है खांसी का, यहाँ पे आएंगे फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी को मैंने ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस को मैंने डी मान लिया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आए एम्थ टर्म इनटू एम इज इक्वल टू एंथ टर्म इनटू एन। अब देखिए यहाँ पे मैंने टीएम और टीएन का जो फॉर्मूला होता है उसको रख के, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे पूरा कैलकुलेशन, पूरा कैलकुलेशन को इतना डिस्क्राइब करना संभव नहीं है, नहीं तो लेंदी हो जाएगी वीडियो, काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हमारा आ गया है इतना, आप वीडियो रोक के और कैलकुलेशन देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ए का वैल्यू आ गया, फिर टी एम प्लस एंथ टर्म निकालने के लिए हम ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी मैंने लगाया, और उसके बाद ए का वैल्यू ऊपर से डाल दिया। जैसे ही इसको गुना किया गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं कट गए हैं, और कट के इसका वैल्यू हो गया जीरो। अगर आपको वीडियो फास्ट लगी हो तो आप रोक रोक के कैलकुलेशन देख सकते हैं। उसके बाद इसमें एक और का क्वेश्चन था, और का क्वेश्चन क्या था, तो और का क्वेश्चन, तो यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन नंबर ये जो और है उसमें क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 18, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस फाइंड द थ्री नंबर्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन किया है। ये देखिए मैंने एपी के थ्री टर्म्स को इतना मान लिया, आप तीनों का ऐड करके 18 किया, ए का वैल्यू 6 आ गया, उसके बाद फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 5 इंटू डी के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने ए का वैल्यू 6 डाल के एक इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद डी के दो वैल्यूज आए, एक 4 एक -9। मैंने बारी बारी से ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी में एक बार 4 रखा, तो 4 रखने के बाद जो हमारा वैल्यू है नंबर्स जो है वो 2, 6 और 10 आया। और उसके बाद फर्स्ट थ्री नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें तो दिया हुआ था नहीं कि पॉजिटिव या निगेटिव आपको लेना है। जब मैंने 4 लिया तो 2, 6, 10 आया, और जब मैंने -9 लिया तो वैल्यू आया 15, 6, -3। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको दोनों ही वैल्यूज लाने थे, अगर आपने एक वैल्यू लाया है तो मे बी कि आपका मार्क्स कट सकता है। मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ आपके लिए, अगर मिल जाए तो बढ़िया बात है, लेकिन चूंकि दोनों रख के ही वैल्यू लाना था, अगर आपने दोनों किया है तो आपको एक्यूरेटली मार्क्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में है कि 80 रुपीज़ में कुछ बुक्स खरीदें, अगर 4 बुक्स 80 रुपीज़ में ही एक्स्ट्रा मिल जाता तो एक बुक का जो कॉस्ट है वो 1 रुपीज़ लेस हो जाता, तो बताइए कि उसने कितने बुक्स खरीदे थे। तो मैंने क्या किया कि मैं लेट शुरू में एक्स बुक खरीदा था, तो एक बुक का सीपी हो गया हमारा 80 बाई एक्स। अब क्या है कि अगर शुरू में एक्स प्लस 4 बुक्स मिलता तो 80 में हमारा हो जाता एक बुक का कीमत कितना, 80 बट्टा x+4, जो कि एक्चुअल कीमत से 1 रुपये कम होते। ठीक है, अगर हमारा बुक होता x+4 तो जो उस टाइम का जो वैल्यू निकलता है एक बुक का कैसे निकलता है, 80 बट्टा x+4, जो एक्चुअल में अभी के कीमत से 1 रुपया कम होते। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन आप रोक के वीडियो देख सकते हैं, कैलकुलेशन उतना समझाने का टाइम रहता नहीं है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ, एक्स के दो वैल्यूज आए, एक 16 एक -20, तो कभी भी किसी किताब की संख्या -20 तो हो नहीं सकती है, तो नंबर ऑफ बुक्स जो हमारा है वो हो गया 16। अब क्वेश्चन नंबर 29 कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन तो भैया कंस्ट्रक्शन है, ये तो जो आपने बना के आया वो होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कहाँ है, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको 2 के बराबर प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको लिख रखा है, अब मैंने क्या किया LHS ले लिया, LHS को 2 लाना है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इसको वैसे ही छोड़ दिया, sec को बदल दिया 1 बटा cos² θ में, और cosec को बदल दिया 1 बटा sin² θ में, ये इतना ही रह गया, ये इतना ही रह गया, cos² θ पलट के चला गया ऊपर, यहाँ हो गया 1 plus LCM, LCM जो है ये बटा के बटा में होने की वजह से ऊपर चला गया, और यहाँ पे LCM होने के बाद ये cos²θ+1 यानी कि 1 plus cos²θ हो गया, ये ऊपर चला गया, और यहाँ पे हो गया 1 plus sin²θ। अब देखिए दो ही यहाँ पे पार्टियाँ हैं, एक है कांग्रेस और एक BJP, एक है 1 plus sin²θ और एक है 1 plus cos²θ, तो यहाँ पे दोनों का LCM हो गया है। उसके बाद ये यहाँ पे कट हो गया, ये चला गया 1 plus cos²θ, ये कट हो गया, यहाँ पे चला गया 1 plus sin²θ, ये 1 plus cos²θ कट हो गया, बाकी यहाँ पे चला गया
इतना फिट देख सकते हैं आप कि मैंने कैलकुलेशन किस तरह से कर रखी है। यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया एक एक दो, फिर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू वन, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं गुना हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये हो गया टू इसका वैल्यू वन, फिर ये दोनों का वैल्यू भी प्लस होके वन, फिर ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, बेस को मल्टीप्लाई कर दिया है। बेस को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इतना आ गया, इसका वैल्यू वन, इसका वैल्यू भी वन, ऊपर में हो गया दो एक तीन एक चार प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा, इसको गुना होके हो गया है इतना। उसके बाद वन प्लस वन टू, टू प्लस वन प्लस वन वन इसका और वन इसका, वन प्लस वन टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर में से टू कॉमन लेने पे यहाँ पे हो गया है टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट, यहाँ पे बच गया टू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें, और सेट थ्री के लिए और सेट वन के आगे के सॉल्यूशंस के लिए वेट करें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।